हेलो फ्रेंड डगली पांडे शो में आपका स्वागत है। दोस्तों जवान का फाइनली हर वर्सन में अब गाना आ चुका है। जिंदा बंदा जो हिंदी है तमिल वर्सन पे हम देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है तमिल में थोड़ा और ऑथेंटिक दिखने मिलेगा फ्रॉम अटली एंड अनिरुद्ध, और खुद गाय भी है अनिरुद्ध तो। एंड जो सॉन्ग का नाम है दोस्तों इन तमिल इट इज वंदा एडम एदम सॉन्ग, जो हिंदी में जिसको जिंदा बंदा कहा जा रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें अनिरुद्ध तमिल वर्सन में कैसा गाया है और कैसा हमको देखने मिलता है उनका वोकल्स। आइए दोस्तों देखते हैं ये सॉन्ग। आइए दी दी उसमें शाहरुख खान का, अच्छा इसमें भी है क्या? तो वाइज बहुत पसंद है यार। दी का पूरा डिस्टिंक्ट वॉइस है इसमें, शाहरुख का डायलॉग नहीं है। हाँ स्टार्टिंग में शाहरुख खान का तो कहाँ है उसमें डायलॉग था ना। हाँ इसमें वही बोलती है सर, ढी बोलती है। ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, एक ट्रेडमार्क है ना पूरा अनिरुद्ध का, ऐसा ड्रम्स वाला। काफी ज्यादा शाहरुख खान का एक्सप्रेशन पुराना वाला किसी का गाना अच्छा लगे मुझे समझ आया। तमिल में अच्छा लग रहा ना अनिरुद्ध को वॉइस। है ना तमिल का अच्छा लग रहा है। पिछले बात को नहीं शाहरुख खान का इसमें फैन में था इस तरह से। ये अलग-अलग शूटिंग हुआ है पूरा, हिंदी बोल रहा था उसमें, तमिल बोल रहा था। हाँ तो तेलुगु भी हुआ। ओह माय गॉड अलग लग रहा पूरा। हो सकता है अच्छा ऑथेंटिक देने के लिए ये तो क्राउड लेकिन मैच हुई है जबरदस्त क्राउड, मतलब उतने को शॉट भी देना पड़ा उसको, हर शॉट सेम नहीं होगा फिर। कितना मजा आया वो लोगों को यार, शाहरुख खान के साथ डांस किया मतलब बड़ा बुरा। एनर्जी भी शाहरुख खान का जबरदस्त है, मजा आ गया दोस्तों। मुझे एक्चुअली जिंदा बंदा भी अच्छा लगा, नहीं तमिल मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, पता नहीं क्यों अनिरुद्ध का। और उसमें वो क्या बोल सकती तू, एक वो फील और बहुत नेचुरल अब वॉइस निकल रहा है वोकल से उनका, और एनर्जी ज्यादा डाले हैं और अच्छा लग रहा है। वो जो हमको आदत है जो साउथ का जब मूवी आजकल जो देखते हैं बड़ा मूवी सब, जैसे विजय का ही पकड़ लो आप अगर तमिल मूवी में, और क्राउड उनका साथ जो दिखते हैं डांसर्स बड़े बड़े मैसिव ग्रुप दिखता है लाइक इजिली 500,000+ का दिखते हैं पूरा मास, उसमें जो वो फील होता है मुझे वैसी फील हुआ। इसीलिए शाहरुख खान सुपरस्टार और अच्छी स्टार्टिंग वाला जो बीट्स है। हाँ 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 वो हमेशा रहता है मुझे लगता है, वो ट्रेडमार्क है अनिरुद्ध का मुझे फीलिंग होता है। वो सुन के पहले मुझे विजय ही याद आया उनका जो फास्ट डांस रहता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लगातार हमने कुछ कुछ मूवीज में दिया, मेरे को वो सब याद आना लगा। शाहरुख को अलग है लेकिन उनका तो पूरा साथ रहता है, पूरा फास्ट एकदम। वो देखते देखते मैं बोला ना, मुझे विजय का ही बहुत सारा मूवी याद आ रहा था। मास्टर याद आ रहा था, अभी जो लियो का दिए थे मुझे वो याद आया, और वरिसु में उतना नहीं है अगर तो देखेगी तो। मेरे को और पुराना उनका एक मूवी याद आ रहा था, एक मसल में गाना है। नहीं था ना उसका, नहीं नहीं विजय का बोल रहा हूँ, जैसे उनको प्रेजेंट करते हैं ना, इसी टाइप का शाहरुख खान को भी ऐसा दिया गया बड़ा बुरा सेट। अगर चेन्नई एक्सप्रेस में भी तो देखेगी सॉन्ग सब उतना नहीं था, क्राउड सब वो जो 1 2 3 तो चेन्नई एक्सप्रेस दीपिका के साथ छोटा क्राउड था, माने बोलते 50-100 लोग का ये छोटा सेट था। वही छोटा सेट, ये कैसा दिख रहा है पूरा पूरा फील्ड में बड़ा सा कासल में 1000 लोग है, 2000 लोग है। वो लड़की लोग का क्या है पता नहीं ग्रुप है, मुझे तो वही लग रहा है आर्मी है इनका जो बनाया है। कोई रीजन से ऑब्वियसली अगेंस्ट वर्सेज स्टेट लग रहा है मुझे, क्योंकि मुंबई पुलिस का वो दिखा था, फिर सडनली नहीं दिख रहा है अभी। एंड लेकिन शाहरुख खान दोस्तों बहुत एनर्जी डाले। टीजर या जो आया था उसमें तो लास्ट में बोलता है ना, जब मैं विलन बनता हूं तो क्या होगा अब पता भी क्या है दोस्तों। बहुत मजा आया मुझे तमिल वर्जन, एक्चुअली बहुत मजा आया अनिरुद्ध का वोकल में सुनने के लिए। जिंदा बंदा तो अच्छा ही है, और इसमें खासकर मुझे वो भी बहुत प्लीजेंटली सरप्राइज किया था हमको। ढी का जो स्टार्टिंग वॉइस था एक्सपेक्टेड नहीं था। वो तमिल वाले में, तेलुगु वाले में, वो जो हम सुने हिंदी वाले में वसीम बरेलवी वो लाइन उनका लाइन है, शाहरुख खान बोले हैं। एंड इसमें ढी बोलिए बहुत ही डिस्टिंक्ट वॉइस है, अच्छा चूज किया है अनिरुद्ध, मानना पड़ेगा दोस्तों। हमको तो बहुत मजा आया, होप आपको भी अच्छा लगा हो। तमिल वर्जन आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।